हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे डीएलएड प्रशिक्षुओं से रिलेटेड और बिल्कुल आप सभी को आधिकारिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और देखिए फ्रेंड्स, आप सभी सबसे पहली बात वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, आप सभी जिस भी ग्रुप में हैं फ्रेंड्स, ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि अभी देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा प्रशिक्षु परेशान हैं। आप सभी के ढेर सारे कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं और ऐसे कमेंट्स मतलब भर भर के, तो हम सबका रिप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आपके एक शेयर से बहुत सारे प्रशिक्षुओं को जो है हेल्प मिलेगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही बात की जाएगी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ का जो ओरिजिनल मार्कशीट है उसके बारे में, ठीक है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से बिल्कुल ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, आप सभी के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल आधिकारिक होगी। सबसे पहली बात देखिए फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन ओरिजिनल मार्कशीट को लेकर, क्योंकि पहले भी ये इन्फॉर्मेशन आई थी, तो फाइनली अब जो भी आपकी मार्कशीट है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सेमेस्टर की, वो आपके डायट पर पहुँच गई है और जल्द ही आप सभी मतलब प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही फोर्थ सेमेस्टर का जो ओरिजिनल मार्कशीट है उसके लिए थोड़ा वेट करिए। कहा गया है कि 10-15 दिनों के अंदर आपके डाइट पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आपको बस थोड़ा सा, क्योंकि आप सभी के आए दिन कमेंट्स आते रहते हैं कि ओरिजिनल मार्कशीट कब तक आएगा, तो फ्रेंड्स फाइनली ये जो है मार्कशीट की प्रक्रिया कंप्लीट की जा रही है और जल्दी आपके हाथों में होगा आपका ओरिजिनल मार्कशीट। बाकी डिग्री आप सभी को पता ही है कि मिलता रहता है, अभी उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए बात करते हैं डीएलएड जो भी अभी एग्जाम्स होने वाले हैं, खासकर डीएलएड सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर प्रशिक्षुओं का। आप सभी का ये था कि दिसंबर में तो आपकी परीक्षा होनी है, लेकिन कब तक होगी? तो फ्रेंड्स, 15 से पहले आपकी परीक्षाएं कंडक्ट करा ली जाएगी। इन्फॉर्मेशन अभी यही आ रही है, यानी कि आप मान के चलिए कि दिसंबर फर्स्ट वीक में, क्योंकि 3 दिन में ये आपकी परीक्षा है, सेकेंड एंड फोर्थ यानी कि मात्र 6 दिन आपकी परीक्षाएं होनी है, ठीक है। तो कहा गया है और ये संस्थानों की तरफ से भी इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि जो है आपकी परीक्षाएँ कोशिश की जा रही हैं कि 15 से पहले ही कंडक्ट करा ली जाए। तो अभी आप सभी के पास बहुत ही कम टाइम है, जो क्लासेस चल रही हैं फ्रेंड्स उसको ज्वाइन करिए। आप ऐसे बोलते हैं कि क्लासेस चलाइए और उसके बाद से जब लाइव क्लासेस चलती हैं तो आप ही गायब हो जाते हो, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है, ठीक है। आप कंटिन्यू क्लासेस लीजिए और सारे सब्जेक्ट को जो है जल्द ही आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा, पूरी तैयारियाँ कंप्लीट, और जो भी इम्पोर्टेंट है आप सभी को वही प्रोवाइड किया जाएगा। और मार्केट से आप सीरीज परचेज कर लीजिएगा, ठीक है, कोई एक राजन या फिर पवन सीरीज, ठीक है। अब देखिए खासकर बात की जाएगी अब डीएलएड बैक प्रशिक्षुओं का और फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर प्रशिक्षुओं का, कि आपकी परीक्षा कब तक होगी। और जो भी प्रत्यावेदन वाले छात्र हैं, देखिए आप सभी बिल्कुल भी यहाँ परेशान मत हुई, क्योंकि आपके ही ज़्यादा कमेंट्स मिल रहे हैं कि अब देखिए संस्थान वाले जो है ना, वो भी आपको सही से जवाब नहीं दे रहे आप, और क्योंकि उनको ये है कि भैया आपका 3 बार बैक लग गया है, तो वो साफ बोल रहे हैं कि आपका अब डीएलएड से कोई मतलब नहीं है और अब आप डीएलएड छोड़ दीजिए, मतलब उनका यही कहना है। बाकी फ्रेंड्स, आपको बार बार कहा गया है कि आपका एक प्रोसेस है, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। आपने प्रत्यावेदन दिया है, जो भी एप्लीकेशन दिया है, अगर आपने अभी तक नहीं दिया है 3 बार अब बैक कैसे, क्योंकि आपके बहुत सारे थर्ड सेमेस्टर के प्रशिक्षु कमेंट्स कर रहे हैं कि मैम हमारा जो है थर्ड सेमेस्टर में बैक है, 3 बैक है, तो क्या हमें भी प्रत्यावेदन फॉर्म भरना पड़ेगा? तो नहीं फ्रेंड्स, ये उनके लिए है। मान लीजिए आपका सेमेस्टर 3 बैक है, तो वो अलग अलग सब्जेक्ट में होगा। अगर मान लीजिए इंग्लिश में लगातार आपका 3 बैक लग जाता है, या फिर मैथ में, या फिर एनी सब्जेक्ट में अगर आपका बैक लग जाता है, 3 बार बैक लग जाता है सब्जेक्ट में, अलग अलग सब्जेक्ट होगा तो चलेगा, लेकिन एक ही सब्जेक्ट में 3 बार बैक लग जाता है, तब आपको एक और मौका दिया जाता है, जिसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखना होता है, एससीईआरटी पर वो एप्लीकेशन देना होता है, या फिर आप अपने जिला डायट कॉलेज पे ही जाकर दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, पूरा आपका प्रत्यावेदन देखा जाता है, जो भी आपने अपना डाटा मेंशन किया है वो सब कुछ देखा जाता है, देन आपका जो भी डाटा है वो पोर्टल पर अपडेट किया जाता है, फिर आपका एग्जाम फॉर्म भरवाया जाता है, एडमिट कार्ड जारी की जाती है, तो पूरा प्रोसेस रहता है। अभी क्या है
आपने देखा होगा हाल ही में एक आडियो भी आपने सुना होगा कि जो भी फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर के प्रशिक्षु या फिर जो भी बैक प्रशिक्षु हैं उनकी परीक्षाएं हम रेगुलर कैंडिडेट के साथ नहीं कराएंगे, इसीलिए जो है आपका नाम नहीं आया है। और इनका ये कहना है कि फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएँ हम अगले सत्र में करवाएंगे, यानी कि अगला सत्र जब 2022 की एडमिशन की प्रक्रिया है, 2022 की एडमिशन की प्रक्रियाएं चल रही हैं, तो जब अब उनकी परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाएंगी, या फिर देखिए फ्रेंड्स मतलब वो तो प्रक्रिया चल ही रही है, यानी कि नए सत्र में आप मान के चलिए क्योंकि जिस हिसाब से वो कह रहे थे मार्च अप्रैल में आपकी परीक्षाएँ कंडक्ट कराई जानी है फर्स्ट एंड थर्ड, साथ ही साथ जो भी मतलब बैक, क्योंकि आप सबका बैक ही लगा है और जो भी प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु हैं आपका भी, क्योंकि उनका ये कहना है कि कोरोना की वजह से पहले हम इकट्ठे करवा दिए थे लेकिन अब नहीं करवाएंगे बैक प्रशिक्षुओं का। यानी कि देखिए कहने का मतलब हमारा अभी भी यही है कि आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, आपने जो भी प्रत्यावेदन दिया है बिल्कुल उसके, क्योंकि उन लोगों ने खुद कहा है कि आप प्रत्यावेदन दीजिए कि हम एग्जाम कराएंगे आपका, है ना, तो वो अपने बातों से नकर नहीं सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स थोड़ा सा वेट करिए आप सभी, क्योंकि आपको लग रहा है कि क्योंकि इसमें ऐसा भी नहीं है कि फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर जो भी बैक है कैंडिडेट उनका आ गया है नाम आपका नहीं तब परेशान होने वाली बात है, लेकिन अभी तो किसी का भी नहीं आया तो फिर अभी आप क्यों परेशान हो। और इसको लेकर मत परेशान होइएगा कि भर्ती आ जाएगी और हम भर्ती में शामिल नहीं होंगे, फ्रेंड्स इसको लेकर अभी कुछ भी नहीं किया जा रहा है, तो भर्ती को आप साइड में रखिए, आप अपने डीएलएड का जो है अच्छे से स्टडी करिए, बाकी अदर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उस पर अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है। और बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत सारे प्रशिक्षु कमेंट्स कर रहे हैं कि हम ये कर लेंगे अपने साथ, हम बहुत परेशान हैं, मेरे घर वाले परेशान हो गए हैं, तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल मत सोचिए आप सभी, क्योंकि अभी सभी कर ही रहे हैं, किसी का भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो बस आप अकेले नहीं हो, बहुत ज़्यादा प्रशिक्षु परेशान हैं, ठीक है। तो बस आप सभी को ये सोचकर संतोष कर लेना है और अच्छे से अपनी स्टडी करनी है, क्योंकि ये भी टाइम आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा, और अभी देखिए बहुत टाइम है, अभी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अपनी बात रखी जाएगी परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सामने, एसीईआरटी के सामने, ठीक है। तो आपने प्रत्यावेदन दिया है, थोड़ा सा वेट करिए, जो भी फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं जिनका बैक लगा है फ्रेंड्स अगले अपडेट तक आप थोड़ा वेट करिए, फोर्थ एंड सेकेंड की परीक्षाएं हो रही हैं, होने दीजिए, ठीक है, बस आप थोड़ा सा वेट करिए। बाकी अभी भी कोई अगर आपके मन में डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षुओं का रिप्लाई करने का। और बस ये डेडिकेटेड वीडियो इसीलिए है ताकि आप परेशान ना हो, ठीक है, कोई भी अपडेट आता है आप सभी से रिलेटेड तो बिल्कुल दी जाएगी, बाकी आप सभी का इस पर क्या विचार है ये ज़रूर बताइएगा, ठीक है। 12 तारीख से पहले अपना स्क्रूटनी रिजल्ट जारी कर देंगे, तो जो भी छात्र होंगे हो सकता है स्क्रूटनी रिजल्ट में पास हो जाएंगे तो वो परीक्षा फॉर्म नहीं भरेंगे, फिर फी का क्या होगा, तो बहुत सारा यहाँ आप देख रहे होंगे, बहुत सारा इनका ये है कि भैया आप पहले फॉर्म भरिए उसके बाद से हम स्क्रूटनी रिजल्ट जारी करेंगे, ये सारी प्रक्रियाएं हैं। और कहीं ना कहीं इन सारे नियमों की वजह से जो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप पिछड़ रहे हो, बाकी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, तो आपको यहाँ परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बैग भी लगा है तो कहीं ना कहीं पेपर सेकेंड पेपर जो था वो मैथ का आउट ऑफ सिलेबस भी रहा था, तो इसमें अगर आप अपना रीज़न दे रहे होंगे कि हमारा बैग लग गया है या फिर हमारी वजह से ये सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये गलत सोच रहे हो, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप अपने आप को डीमोटिवेट मत करिएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें, सब कुछ आपका कंप्लीट होगा, बस अच्छे से स्टडी करिए, जो भी क्लासेस चलाई जा रही हैं उसे अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है, सारे सेमेस्टर की। बाकी फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, और बस ज़्यादा परेशान भी नहीं होना है, आपको अपने कॉलेज जाना है, पूछना है, अगर आपका लिस्ट में नाम है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लिस्ट में हमारा नाम आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ, क्लासेस जो भी हमारी क्लासेस चला जा रही है उसमें बिल्कुल कंटिन्यू रहने वाली है कल से, तो मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।